आजकल ये रिवाज बहुत ज़्यादा हो गया है कि मुख्तलिफ दिनों में, मुख्तलिफ महीनों में, मुख्तलिफ मौके पर उस महीने के लिए मुबारक होने का पैगाम दिया जाता है दूसरों को। रमज़ान मुबारक हो, ईद मुबारक हो, जुमा मुबारक हो, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और अब उनका रिवाज भी कसरत से होने लगा है। पहले सिर्फ ईद के मौके पर होता था, अब रमज़ान मुबारक और जुमा मुबारक इसका भी अहतमाम किया जाने लगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन मौके पर मुबारकबाद देना या मुबारक कहना साबित नहीं है। या किसी ऐसी कोई ऐसी रिवायत नहीं आती कि आप ईद के मौके पर लोगों को मिलते वक्त ईद मुबारक फरमाते हों या रमज़ान मुबारक फरमाते हों या जुमा मुबारक फरमाते हों। लिहाजा इसको सुन्नत समझना तो बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है कि सुन्नत अदा हो रही, क्योंकि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मन, अलबत्ता हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बात के मन न होने का ये मतलब भी नहीं होता कि वो नाजायज़ है। बहुत सी जायज़ बातें हैं जो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं है लेकिन जायज़ है, सुन्नत नहीं है, जायज़ है। उनको सुन्नत करार देकर अगर किया जाएगा वो बिदत बन जाएगी, और अगर जायज़ समझ कर किया जाएगा तो बिदत नहीं होगी, ये भी इसी में दाखिल। असल में तो ये मुबारक हो ये एक दुआ है और बड़ी अजीम शान दुआ। माना इसके ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अंदर या तुम्हारे इस अमल के अंदर या तुम्हारे इस दिन के अंदर या तुम्हारे इस महीने के अंदर या तुम्हारी इस साल के अंदर अल्लाह ताला बरकतें अता करो। बरकतें मांगने की दुआ है मुबारक, और दुआ बड़ी अजीम शान है क्योंकि बरकत ही दर हकीकत वो चीज़ है कि जो किसी भी मकसद का आखिरी, मकसद के हुसूल का आखिरी दर्जा हो। इस मौके पर तो ये दुआ मैंने अर्ज किया कि रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, साबित न होने का ये माना भी नहीं है कि कभी आपने न दी हो सकता है दी हो कभी, मनकूल नहीं हुई, लेकिन बाज़ मौके पर साबित है। जैसे निकाह के मौके पर कि जब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नए जोड़े के बारे में पता चलता कि उनका निकाह हुआ है तो शौहर हो या बीवी हो उसको ये दुआ देते थे, बारकल्लाहु लकुमा व फीकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर और कमा कालस, अल्लाह ताला तुम्हारे इस जोड़े में बरकत अता फरमाए और तुम्हें हमेशा भलाई के लिए जमा रखे, कोई तफरीक ना हो तुम्हारे दरमियान, कोई तनाजा ना हो, फरमाते थे। और ये भी कि खाना है तो उसके लिए भी दुआ बनकू कि आप ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह ताला खाने में बरकत अता फरमा। और ये तो मुस्तकिल दुआए कुनूत का हिस्सा है, दुआए कुनूत जो हम मांगते हैं फितर के अंदर उसमें एक जुमला है, बारिक लना फीमा आतैत, बारिक लना फीमा आतैत, या अल्लाह जो चीज भी आप हमें दें उसमें बरकत अता फरमा। तो इतनी आम दुआ कर दी आपने दुआए कुनूत में कि सिर्फ शादी के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि जब भी कोई आप कोई अच्छी चीज हमें अता फरमाए तो हमें उसमें बरकत भी अता फरमाए। इसलिए यानी इस नीयत से कहना कि भाई ये महीना हमें मुबारक हो और ये चांद मुबारक हो, ये दिन मुबारक हो, तो इस नीयत से कि अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमा दे, इस दुआ की नीयत से कहने में कोई हर्ज नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएंगे तो बरकतें हासिल होंगी। बस इतनी बात है कि जहाँ हुजूर से मनकूल नहीं या सहाबे किराम से मनकूल नहीं उसको सुन्नत ना समझना, कि सुन्नत की वजह से कह रहा हूँ। अभी आपको बैठे बैठे ख्याल आया, फर्ज करो कि मैं दुआ करूँ कि या अल्लाह मुझे आज रात को शाम को इफ्तारी अच्छी, जायज़ है ना? जायज़ है, जायज़ है, दुआ है। लेकिन अगर ये समझे कि नहीं जी ये सुन्नत है कि हर रोज़ नमाज से जोहर के बाद आदमी ये दुआ किया करे कि मुझे इफ्तारी अच्छी मिले रोज़ाना मगरिब के बाद, यह कह लेगा तो क्या हो जाएगा, ये बिदअत बन जाएगा।